नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो खोज खबर और दुनिया चैनल। तो आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो क्या गेट 2020 से कंपलसरी होने जा रहा है? इस वीडियो के अंदर आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो खबरें कुछ इस तरीके की आ रही है कि 2020 से गेट देना सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट फोर्थ ईयर में आता है तो उसे एज अ एग्ज़िट एग्ज़ाम के तौर पर गेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि जो बंदे गेट एग्ज़ाम को इस पास नहीं कर पाएंगे ना, उनको डिग्री नहीं मिलेगी उन्हें। यानी कि अगले साल दोबारा बैठना पड़ेगा गेट देने के लिए, और जब वो गेट क्लियर करेंगे तभी उन्हें डिग्री मिलेगी। दरअसल यह फैसला सरकार को इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे थे सरकार के पास कि बच्चों के अंदर टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके चलते अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, स्किल्ड लेबर की कमी होती जा रही है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार के पास सुझाव आया कि गेट को कंपलसरी कर दिया जाए, ताकि इससे बच्चों की, स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी डिटरमाइन हो सके, बच्चों के थोड़े टेक्निकल स्किल्स बढ़ सके, उनकी नॉलेज इन्हेंस हो सके। यानी कि स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए यह कदम सरकार उठा सकती है। अगले हफ्ते AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बोर्ड में इस मुद्दे पर अच्छे से डिस्कशन होगा, इस मुद्दे पर बैठक होगी, इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि गेट को कंपलसरी किया जाए या नहीं। तो गेट का एग्ज़ाम अभी वही स्टूडेंट्स देते हैं जिनको IIT से MTech में एडमिशन लेना होता है, या कुछ PSUs भी गेट के स्कोर कार्ड पर अपना वो लेते हैं एडमिशन। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या गेट कंपलसरी होना चाहिए या नहीं, इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़ और जय हिंद।